आपका नाम संगीता शर्मा है और आपका भी तो लव की तब से है, आपका नहीं है क्या? तो पति पे ही अंकुश लगाओगी क्या? नहीं तो मैं छुपा दू, करनी है क्योंकि वो इज्जत देता है। जाओ, बननी है ना? इज्जत देता है। कह दबा दिया ना, क्योंकि हम भी पुलिस वालों के साथ में थे, हमारे मंदिर के सामने खाना है, कैसे कहलवाना पड़ता, मैं जानता हूँ। मैंने एक झटका दिया कि मैं शादी नहीं होने दूंगा, मैं छुड़वा दूँ। जिसका नाम संगीता हो खड़े हो जाए। संगीता, और कोई संगीता है यहाँ पे? एक ही है, चलो आ जाइए। जिसका नाम संगीता वो शीघ्र आ जाए। इस समय हमारा एक प्रिय शिष्य यहां बैठा है। वैसे शिष्य तो सभी बैठे हैं, नाम मुझे एक का लेना उचित नहीं बनता, लेकिन मेरा यहाँ अनूप चौहान बैठा हुआ है लखनऊ से, नंबर एक का डिफाल्टर, पंडों का सगार का आशीर्वाद और हमारा इसमें का पात्र। नहीं नहीं मैं उसको नाम ही रखा है डिफाल्टर, लेकिन दिल में हमारे पास हमेशा जगह रहती है। कैसा भी हो, पंडों का धाम नहीं छोड़ा है, यही पहचान है। ये तो स्थिति परिस्थिति कराती है। बाबा को पकड़े रहो, हनुमान जी को पकड़े रहो, तुम झुकोगे नहीं जी, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन नई गलती मत करना, ये सीख मानो। गलती हो गई हो जाने दो, लेकिन तुम बाबा की शरण में हो ना, तुम्हारी रक्षा होगी, चिंता मत करो। आगे आके बैठो, चलो। और सोफा पे बैठो। ये भोपाल में लखनऊ शिष्य मंडल का पहला व्यक्ति है जिसने कर्ज लेकर के दरबार कराया, और साथ साथ ऐसा दरबार सिर पे गठली रखी हो, उसमें अपना मकान बेच करके दरबार कराया, ये बहुत बड़ी बात है। बैठो बेटा। लेकिन अब किसी से लिया, किसी को दिया, ये तो चलता रहता है, क्योंकि तुम्हारा पुराना कर्ज है। लंबे समय से एक की टोपी एक को एक, वो तो होगा। कर्ज तो अपने दिन चलता है, घड़ी चलती रहती है। पास में आइए, पास में आइए, देखिए इनकी पर्ची कटी है 10 तारीख को, 9वें महीना, पर्ची क्रमांक है 58। अभी नंबर चल रहा है 11 तारीख वालों का। 5,000 से 7,000 लोग पंडुकर धाम में लोग रुके हैं, और अभी आप देख रहे हैं हम और आप सामने बैठे हैं इस समय दरबार की सभागार में 4,000 से ज्यादा लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इस हॉल की 5,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, सटक के गैप करके 1,000, थोड़ा गैप में, और दूर दूर बैठा रहे तो 500 लोग। एक लाइन में 180 लोग बैठते हैं, सही से बैठा रह जाए तो, क्योंकि हमारा टीन सेट से नपा हुआ है, पुराना है। और ये कुर्सी जो दिख रही है बालकनी में, उनके लिए दिख रही है जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते, संत नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होता है, उनके लिए आहूत लोगों के लिए है कि आओ, तुम्हारे लिए सीट, एक सोफा, एक कुर्सी तर्त रही है कि देखें कि तुम में कितना दम है और पंडुकर धाम में कितनी ताकत है, किस में कितना पानी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेटा माइक उठाइए। बेटा कहां से आई हैं आप? लखनऊ। हाँ, लखनऊ। लखनऊ से क्या पूछने आई हैं आप? पूछना ये था कि मतलब घर में प्रेत बाधा वगैरह सब बहुत ज्यादा है। आपके पति का नाम क्या है? गोविंद लाल। हाँ? गोविंद लाल। क्या पूछने आई हैं आप? उनका कहीं और अफेयर वगैरह है। किनका? हस्बैंड का। अच्छा, और वो जरा भी इज्जत वगैरह कुछ नहीं, मतलब आपके पति इज्जत नहीं करते, उनका दूसरी औरत से अफेयर है। चलो कोई बात नहीं, हमने लिखा सुने। गोविंद लाल जी का स्त्री लक्ष्मी देवी का चक्कर है, और आप किराए के मकान में रहती हैं, आपका नाम संगीता शर्मा है, और आपका भी तो लव प्रीतम से है जी। आपका जी। नहीं है क्या जी? तो पति पे ही अंकुश लगाओगी क्या? नहीं तो ये आप बताओ पहले, इतना आप क्यों बनी? जब तुम पति की बेइज्जती करा रही हो तो तुम भी तो दूध की धुली नहीं हो। आपको तो ऐसे रहना चाहिए था कि पति जाए कुगा में मरे, हम क्यों अपनी नई अपनी जीवन बिगाड़े, लोग बिगाड़े और परलोक बिगाड़े। पर हम कभी मिले नहीं। बात नहीं, मेरी बात सुनो पहले, तुम्हारा प्रीतम से लव है कि नहीं? लव क्या, बस ऑनलाइन ऑनलाइन जानते हैं। अच्छा जी, आप मिली नहीं? नहीं। लेकिन उससे उस रुकिए
रुकिए मेरी बात, ऑनलाइन जानती हैं, ये शादी भी करने वाली हैं और वो उनको अपनाने वाला है, उनको वचन दे चुका है। नहीं कभी शादी की बात नहीं हुई। प्रीतम से लव है, वो उसके साथ ही आप रहना चाहती हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके पति क्या गोविंद का पुत्र का ईशान नाम है जी। है कि नहीं जी। समस्या का समाधान होगा, पंडों का दाम पांच अमोसा करें और प्रीतम की आप माला फेर रही हैं। आप कौन नहीं करने तो मैं छुड़वा दूं। नहीं करनी है क्योंकि वो इज्जत देता है। जाओ, करनी वो है ना? इज्जत देता है, कहलवा दिया ना, क्योंकि हम भी पुलिस वालों के साथ रहते हैं, हमारे मंदिर के सामने थाना है, कैसे कहलवाना पड़ता, मैं जानता हूं। मैंने एक झटका दिया कि मैं शादी नहीं होने दूंगा, मैं तोड़वा दूं, तो बोले नहीं मुझे करना है। इज्जत देता है ना। क्यों भाई भूरी, सही कह रहा है कि नहीं? बोलिए पंडोखर सरकार की, बैठ जाइए, मैं बात करूंगा, हमें पता है हम बदलने वाले नहीं है, मैं सिद्ध कर दूंगा, हम छठमा भी बता दूंगा फिर तो। शांत बैठो, शांत बैठो, भूरी देवी बैठ। मैंने कल प्रीति को उकसाया, आज जाए वो उकसाता है हमने। शांत बैठो, हमें तो तुम तो छोड़ो, हमें तो बे नहीं झुटला पे जो हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि हम उन्हीं की दम पे बोलते हैं, यदि हम झूठ बोलेंगे तो फिर जय झूठ बता रहे। तो हमारे पूछपाछ गुरुदेव ने इतनी ताकत दी है कि हम बोलेंगे वो ही जो मैं सत्य कर पाऊं, और जो सत्य ना कर पाऊं वो नहीं बोल सकता। बोलिए श्री हनुमान जी पंडों का सरकार की, जाइए आपकी प्रीतम से पति को सुधारवा दें, पति को आपके पास रखवा दें या प्रीतम को मिलवाएं, बताओ माइक से बोलो, मतलब दो में से एक मांगो जल्दी से, प्रीतम को मिलवाऊं या पति को मिलवाऊं? आप जैसा ठीक समझे। हम तो कहे दोनों छोड़ो। हाँ, दोनों ही छोड़ दें, छूट जाएंगे, ध्यान रखना है? दोनों छूट जाएंगे, इज्जत, क्योंकि एक इज्जत नहीं करता, हम चाहते दूसरे के साथ इज्जत। तो प्रीतम के साथ इज्जत मिलेगी? हाँ, उसने कह दिया। हाँ, नहीं कहा क्या है, लेकिन यह है कि इज्जत करता है, करता है अभी तो करेगा। जाओ आशीर्वाद, खड़े हो जाओ, घर से प्रेम बाधा वगैरह हट जाए, तत्काल खड़े होइए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, जाओ।